अवैध खनन को लेकर 30 जुलाई को एसडीओ कार्यालय पर धरना। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के गांव अंचल अमझर गांव में संचालित पत्थर खदान कप्तायनी एवं डरहो गांव के उपरली कन्हई गांव में मेमर्स बाबा वैजनाथ स्टोन वर्क्स के और से लीज की जगह दूसरे स्थान पर किया जा रहा है। मामले को लेकर सचिन यादव 30 जुलाई को खोरी महुआ एसडीओ कार्यालय पर धरना में बैठेंगे। बाकी देखते रहिए पीएनएन न्यूज इंडिया। क्या मामला है? मामला जमदार पंचायत का है। जमदार पंचायत में 3 अवैध माइंस चल रहा है, उपरेली कन्हा, डड़ो और अमझर, जो कि अमझर जो है बिल्कुल गैरमजरुआ पहाड़ को काट करके वहाँ माइनिंग किया जा रहा है, और डड़ो और उपरेली कन्हा जो है बिल्कुल फॉरेस्ट में काम हो रहा है, और फॉरेस्ट के रास्ता से माल को निकाला जाता है। रात के अंधेरे में करीब 200-300 है वो माल पर डे निकाला जाता है, जिसके विरुद्ध में हम लोगों ने 2 महीना पहले डीसी कार्यालय, माइनिंग विभाग में, डीएफओ विभाग में, अंचल अधिकारी गांवों को, सारे जगह को हम लोगों ने आवेदन दिया था। आज तक कोई तरह का कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण हम लोग अब एसडीओ साहब को आवेदन दिए हैं कि 30 तारीख को मंगलवार 7वां महीना में खोरी महुआ अनुमंडल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जब तक कि सही जांच नहीं होता है। जिला के अधिकारियों के द्वारा जब तक सही जांच क्षेत्र में नहीं होगा, तब तक हम लोग धरना से उठेंगे नहीं। और मतलब जो है सो ये जो माइनिंग हो रहा है, गिरिडीह माइनिंग विभाग और गांवा अंचल अधिकारी के संलिप्तता से किया जा रहा है, वो लोग दोनों का हाथ ये खदान चलाने में पूरा का पूरा है। जिला अधिकारी से हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द इसका जांच हो, और जब तक जांच नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पर ही बैठे रहेंगे। क्या मामला? ये है जमदार पंचायत के अमझर में जो माँ कत्यानी के नाम से जो लीज चल रहा है, वो लीज कहीं और है और पहाड़ी को धसाया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि जहाँ पर लीज है उस जगह पर काम किया जाए, और जिस जगह पर लीज है उसकी पैमाइश हो और उसकी पिलरिंग हो, और दो जगह जो है उपरेलीकन है जो प्योर फॉरेस्ट की ज़मीन पर काम हो रही है, और फॉरेस्ट के रास्ता से पर डे सैकड़ों हैवा जो है माल आ रहा है और जा रहा है, और ये तमाम जो है राजकुमार यादव के संरक्षण में किया जा रहा है। एक विधायक का लेबल लगने से हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन की तमाम महकमा जो है पूर्व विधायक के दहशत में आई है, और किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहीं डड्ढो में जो है एक माइंस और चल रहा है, जिसमें फॉरेस्ट के जमीन पर 200 हैवा से ऊपर पत्थर अभी जमा होगा, ये देखने का चीज है और ये जांच की विषय है। हम कहना चाहते हैं गांवा का सीओ और जो है माइनिंग विभाग पूरी तरह से मिलीभगत, पूरी तरह से संलिप्तता राजकुमार यादव के साथ में है, तभी आज तक ये काम चल रहा है। किसी तरह का कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं है, और हम ये जो धरना प्रदर्शन 30 तारीख को जो हम देने जा रहे हैं, यह पूरी तरह से जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो, ऊपरी अधिकारी के द्वारा जांच नहीं होगा, तब तक हम अनुमंडल में बैठे रहेंगे। हमें तभी उठेंगे जब तक ये पूरी तरह से जांच नहीं हो जाएगी। ठीक, हो गया। बोलिए। हाँ बोलिए। हो गया तो इतना बढ़िया तो आया।